जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आपको हसन अयाज का यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हसन अयाज बोला, वेलकम बैक। और जी जैसे कि आपने देखा मेरे पिछले 6 ब्लॉग में मैंने आपको अपने गांव के चारों तरफ सैर करवाई। मेरे तो इस जगह का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। तो इस जगह का नाम है मैरा, पारा मैरा, ठीक है जी। तो इसको हम पारा मैरा कहते हैं। और तो पारा मैरा आज आपको हम दिखाएंगे, जो हमारे गांव की चरागाह है, जहाँ पे गाय, भैंसें, बकरियाँ, खैर भैंसें तो नहीं, सब यहाँ पे आती हैं। एक और तालाब मैरा में भी है और पानी का फ्लो डेरे। क्या है ना सी, ऊंचा बोलिएगा, डेरा है जी, या डेरे हैं ये पठानों के। अनस बोला जरा क्या है, पीछे मुड़ के देखें। तो ये है जी हमारा मैरा, जिसे हम पारा मैरा कहते हैं, क्योंकि पारा इसलिए कहते हैं कि हमारा गांव रहा वो, और ये हम इस पार आ गए हैं, तो इसलिए हम इसे पारा मैरा कहते हैं। और आने वाले दिनों में बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं। जैसे कि आपने हर ब्लॉग में देखा होगा कि हम एक खेल खेलते हैं, तो अभी कुछ लड़के यहाँ के मूरी पर खेल रहे हैं क्रिकेट। आइए आपको थोड़ा क्रिकेट दिखाते हैं। तो ये था जी आज का थोड़ा सा गेम जो इन लड़कों के साथ मैंने थोड़ी खेली। और ये थोड़ी सी जगह जो आपको नज़र आ रही है हमारा ग्राउंड है, तो काफ़ी अच्छा खेल। तो जी ये सामने एक डैम है, वो आपको जाके दिखाते हैं, जो इधर ही
मैरे का हिस्सा है, मैरे का कह लें या चक का कह लें, जो आगे मैंने आपको बताया। तो चलें आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। तो जी जैसे कि पहले मैं आपको डैम दिखाया था तल्ले पे, वैसे ही आज एक डैम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और वो कुछ दिखाई देता है इस तरह। तो ये रहा मैरे का डैम, और ये उससे बड़ा है जो आपने पहले देखा, पर इतना खूबसूरत है। चलें आपको दिखाते हैं कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है और उसमें क्या, इसका मकसद क्या है। सोलर सिस्टम लगा नज़र आ रहा है, ये उस मोटर को चला रहा है, और ये जो पानी है ये उस मोटर के ज़रिए पंप होकर जाया जा रहा है, यहाँ से ले जाया जा रहा है इन पाइप्स में बाग की तरफ। ऊपर एक बाग है और वहाँ पर इस पानी को पहुँचाया जा रहा है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह। आज का ब्लॉग करते हैं इस खूबसूरत जगह पे ख़त्म, और आज तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, उम्मीद है आपने भी इन्जॉय किया होगा। तो आगे मेरी बंदे खोल के ऐसे रखता हूँ मैं, तो मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है कि मैं जो ऐनक पहना करता था वो आपने देखा होगा, पहले हम क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट खेलने के दौरान मैंने वो कहीं रखी और वो कहीं गुम हो गई। तो आपसे लेता हूँ इजाज़त, और इस खूबसूरत जगह पे कहता हूँ अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसन अयाज़ कादरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।